अयोध्या से तो आशीर्वाद लेके गया था सभी गुरुजनों का और भगवान श्री राम का और हनुमान जी का, और वहाँ जाके जो नाम किया है, अयोध्या का नाम किया है, उससे लोग बहुत खुश हैं और ये जानकर बहुत खुश है कि अयोध्या से कोई एक ऐसा टैलेंट निकला जो अयोध्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ कि आगे की जर्नी भी अच्छी रहे। युवाओं के लिए तो रास्ते खुल गए हैं, क्योंकि अब जैसे अब छोटे शहर के बच्चे थोड़ा संकोच करते थे कि इतने बड़े मंच पर जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसको जारी रखेंगे और आगे जाके इतने बड़े मंच पर अगर हमारे अयोध्या के और भी टैलेंटेड जो भी बच्चे हैं वो आगे जाके करते हैं तो अयोध्या का नाम रोशन होगा। आपके सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर्स हैं जी, पहले जो थे उसके अपेक्षा में अब कितना अंतर आया? जी विराट कोहली जी है और गौर गोपाल दास जी हैं, बहुत बड़े बड़े हस्ती हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और ऐसे ऐसे मैसेजेस मुझे भेजते हैं जिससे बहुत गौरव होता है। और ये भी साथ लिखकर भेजते हैं कि अयोध्या से हो, तो ये जानकर बहुत खुशी होती है क्योंकि जल्दी सुनने में नहीं मिलता ऐसा चीज़ें, और जब सुनने को मिल रही है तो जानकर बहुत खुशी हो रही है। पहले जब आशीर्वाद लेके गया था इंडियन आइडल के स्टेज पे, तब ये लगा था कि जब लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू किया, अयोध्या से जानना शुरू किया कि अयोध्या का एक लड़का वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद लोग इतना जानने लग गए थे और आशीर्वाद देने लग गए थे। लेकिन जब जीत गया तो ऐसा लग रहा है कि जो अयोध्या वालों का, अयोध्या वासियों का जो सपना था वो जाकर अब पूरा हो गया है, और एक जो इंडियन आइडल का जो एक सफ़र था जो एक संपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से ख़त्म हुआ और आइडल की ट्रॉफी अयोध्या फाइनली आ गई। सर, से ताज तक के सफर में ऐसा कौन सा पल रहा जिसको आप याद करेंगे? ऑडिशन से लेके लास्ट तक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे यादें जुड़ गए थे हमारे साथ और अयोध्या से जुड़ गए हैं, अयोध्या के लोगों से जुड़ गए हैं और इतने बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई। और अयोध्या के जब मैं वहाँ पे गाते समय जब ये उनसे बोलता था कि मैं अयोध्या से हूँ, तो वो उसके बाद जो उनका जवाब होता था कि आप अयोध्या से हैं और हमें कब बुला रहे हैं अयोध्या, तो इतने बड़े बड़े रणबीर कपूर हो गए या रानी मुखर्जी हो गई, बड़े बड़े जितने भी हस्तियाँ आए, और धर्मेंद्र जी ने भी ये चीज़ बोली थी, तो इतने बड़े बड़े लोगों ने जब ये चीज़ बोली तो बहुत अच्छा लगा कि जानकर। मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे, क्योंकि बहुत सभ्य व्यक्ति हैं वो, और उन्होंने पूरा इंडियन आइडल के बारे के मतलब जो सफ़र जो मेरा रहा है पूरा अयोध्या से लेकर मुंबई तक का, उन्होंने पूछा और उसके बाद मुझसे गाने भी सुने, तो बहुत अच्छा लगा।